सत श्री अकाल जी सारियां नूं स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल दे विच। ते अज मैं तुहानूं मूली दे परांठे दी रैसिपी दस्सांगी। सब तो पहले तीन मूलियां लैनियां, इन्हां नूं असीं चंगी तरह चज्जू चस तल लैणियां, बिल्ली चस तलां दे छोटे जिहे मीडियम साइज़ 'ते। फिर असीं इन्हां नूं पानी निचोड़ा ने मूलियां दा चंगी तरह पानी निचोड़ लैणा। फिर असीं मूलियां दे लस्सियां नूं छोल लैणे ते जिहड़ा पानी बचा इहनूं असीं डोल देवांगे। फिर असीं मूली दे पत्ते धनिया पावांगे, चंगी तरह मिक्स कर लैणा। मूली दे पत्ते बड़े वधिया हुंदे ने साडे सेहत वास्ते, मैंने बहुत ही ज़्यादा पसंद ने मूली के पत्ते। फिर थोड़ी जी कसूरी मेथी पावे, अद्धा चम्मच मसाला पावे, अद्धा चम्मच नमक पावे, चंगी तरह मिक्स कर लेना मसालिया मूली के। बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनने वाले ने परांठे। फिर असी आटा गुन्नांगे ज़्यादा। फिर असी यहाँ नॉर्मल पेड़ा चो थोड़ा झट पेड़ा लवेंगे, छोटा पेड़ा लेना नॉर्मल पेड़े चो। फिर असी दो पेड़े चढ़ाने, क्योंकि मैं डबल बिच पान लगी हाँ, आही साइड असी पेड़े चढ़ लेने। फिर असी चूंडांगे दोवें पेड़िया, फिर असी वेल लेना दोवों, फिर असी टिक्की वेल लेनी दोवों की चुंड से। फिर असी मूली पावे एक टिक्की के उत्ते। फिर जी दूजी टिक्की असी वेली हुई है उन्होंने असी ये उत्ते रखने, जिस उत्ते असी मूली पाई हुई है चारों चारों फैलाते रखनी है मूली। फिर असी हल्के हल्के हथा ने प्रेस चढ़ाने, हल्के हल्के हथा ने इन्हें प्रेस चढ़ते। फिर असी छुट्टा आटा लगावे, फिर असी इन्हें वेलांगे हल्के हल्के हथा ने नाल। जैसे साडा वेल से तैयार है, फिर मैं तवा पहले ही गर्म रख लिया। फिर असी घ्यो लगावे पहला, फिर असी परांठा पाना है। फिर थोड़ी देर बाद इनू असी पलटांगे, तुहानू बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगेगा ये परांठा मेरी रैसिपी के नाल। फिर दूजी साइड तो भी असी इन पत्तन देवे परांठा। फिर थोड़ी देर बाद असी ये उत्ते घ्यो लगावे जिहड़ी साइड असी पलटी हुई सी। फिर असी पलटांगे ते दूसरी साइड भी असी घ्यो लगावे, चारों चारों बस घ्यो ला लेना। तो दोवें साइड तो असी राड़ लेना परांठा। फिर असं उन्हें प्लेट भी चढ़ के छावे, बड़ा ही ज़्यादा स्वाद बनया। तुम दही के नाल भी छा सकते हो, चाह के नाल भी छा सकते हो, उत्ते मक्खन रसते छाइयो, तुहानू बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगेगा। तो मेरी रेसिपी चीज़ा नहीं लगी मैंने कमेंट भी जरूर दस्यो। तो मिलते अगली वीडियो के वीडियो वेखने लिये धन्यवाद।